उत्तराखंड में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। जगह जगह सुलग रहे जंगल वन कर्मियों की परीक्षा ले रहे हैं। यह आग रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच गए हैं, जिससे संकट और बढ़ गया है। रविवार को जंगल में धधक रही आग टेका रोड तक आ पहुंची थी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पौड़ी गढ़वाल की है। यहाँ बेकाबू आग SSP प्रशिक्षण केंद्र से सटे कमिश्नर आवास के पास जंगल तक आ पहुंची। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पौड़ी मुख्यालय से सटे जंगलों में आग लगी हुई है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को टेका रोड पर भीषण आग के बाद आज SSP प्रशिक्षण केंद्र से सटे कमिश्नर आवास के नजदीक जंगल में आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी भयावह थी कि चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, SSB, वन विभाग, QRT टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। नागदेव मंदिर के साथ ही SSB प्रशिक्षण केंद्र से सटे इस जंगल में आग लगने की घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर DFO स्वप्निल अनिरुद्ध के साथ दूसरे तमाम अधिकारी और कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पौड़ी से सटे जंगलों में आग ने बीते रविवार को भी तांडव मचाया था। सरकारी सिस्टम ने आग को काबू करने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है, बावजूद इसके जंगलों के धधकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बीते रविवार को 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड में आग की 24 नई घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें 36 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी। आज जो है सुबह टेका रोड से नीचे आग लगी हुई थी और वो जो है तेज हवा होने के कारण और बहुत ही उष्ण मौसम होने के कारण, गर्म मौसम होने के कारण ऊपर तक फैल गई। क्राउन फायर होकर जो है हमारा नागदेव वाला जंगल है वहाँ तक पहुँच गई और रिज क्रॉस करने के बाद जो SSB यहाँ पौड़ी में जो इनका एक एमिनेशन डिपो है वहाँ तक पहुँचने की संभावना थी, तो हम लोगों ने टीम लगाकर ये वन विभाग की, पुलिस विभाग की, SSB की और फायर अग्निशमन वालों की एक संयुक्त टीम थी जो मिलकर वहाँ पर जो है हम लोगों ने काउंटर फायर किया और इस आग को जो है नीचे SSB का जो ऑफिस है वहाँ तक पहुँचने से बचाया है। अब जो है एक दूसरी आग जो है कमिश्नर ऑफिस तक फैल रही है, कमिश्नर आवास तक फैल रही है, तो उसको बचाने का भी कार्य चल रहा है। हेलीकॉप्टर नहीं आया? कोशिश में लगे हैं सभी DM सर, सभी विभाग जो है कोशिश में लगे हैं और जल्द ही इसमें कार्रवाई होने की। कई बार ऐसा हो जाता है कि खेत में लोग आड़ा पकान कर देते हैं और वो आग जो है तेज़ी से फैल कर जंगलों की तरफ पहुंच रही है, तो आड़ा पकान एक मेजर इसमें रीज़न है, कारण है। जनपद में कुल 100 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि प्रभावित हुई है जो वनाग्नि से। कल थापला गांव से खबर आई थी कि एक जंगल से जो आग आ रही थी तो वो अपने नापखेत में पहुंचने वाली थी, तो नापखेत में पहुंचने के बाद एक महिला ने अपने नापखेत में जो घास है उसको बचाने का प्रयास किया और उसकी चपेट में आकर उनको काफ़ी सीवियर बर्न्स हुए हैं, जिसमें उन्हें एम्स रेफर किया गया और एम्स में उनकी डेथ हो गई। तो एक कल घटना हुई है और हम लोगों का यही प्रयास रहा है, वन विभाग का निरंतर यही प्रयास रहा है, सभी DFO स्तर से भी यही प्रयास रहा है कि हम लोग मौके